आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मित्रों को नमस्कार। आप सब धैर्य बना के रखें, देश अभी मुश्किल हालात में गुजर रहा है लेकिन अच्छे दिन आएंगे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, बैठ जाए समझ नहीं आ गया। मुझे को दिक्कत, रवि किशन जो सांसद है ना, वो कह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री पसीने से नहाते इसलिए इतिहास रचेंगे। अरे भैया 8 करोड़ का उनका गाड़ी है, 600 करोड़ का हेलीकॉप्टर है, 3000 करोड़ का जहाज है, आप कहां से पसीना आ रहा है? ठीक कर रहा हूँ, अपनी गाड़ी में बैठ के अगर पसीना हो तो ज्यादा बात, तब तक तो किसान को तब कह दीजिए कि ओकरे जटा से गंगा निकल रही है। किसान समझ रहे, किसान को कितनी दुर्दशा होती है बेचारा, बैल के आज भी जिन किसानों का पास ट्रैक्टर नहीं है ना, जितना दिन उनका बैल चलता है बेचारे उतने दिन वो भी चलते। खैर ऐसा नहीं, प्रधानमंत्री मेहनत ज्यादा करते हैं, स्पेशली विदेश वाले मैटर, इसके लिए तो आपको ही पता है कि विदेश मंत्रालय तो आधा खुदे संभाल के बैठे हैं। आगे बढ़िए, अध्यक्ष हो गया आपको ये सारा पावर यही संभालेगा, लेकिन जैसे अब इसमें अध्यक्ष के बारे में हम समझते हैं एक एक चीजों को, प्रोटेम स्पीकर से स्टार्ट करते हैं। हां सर, प्रोटेम स्पीकर। अब ये प्रोटेम स्पीकर क्या होता है समझिए, अस्थाई स्पीकर को हम प्रोटेम स्पीकर कहेंगे, प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर। तो स्पीकर कैसे निकलता है, आपका बर्थडे तक हमारा कुछ ना पता है, हमने तो सब ऐसा नहीं होता था, सभापति उपसभापति बता दिए थे। देखिए राज्यसभा की सारी की सारी गतिविधियों को कंट्रोल करने का काम राज्यसभा का होता है। इससे एक ही क्वेश्चन पूछता है कि राज्यसभा का सभापति क्या उस सदन का सदस्य होता है? देखिए संविधान निर्माताओं का इच्छा था कि राज्यसभा का सभापति उसका सदन का सदस्य हो, किंतु उसके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी उपराष्ट्रपति, तो अगर सभा राज्यसभा के किसी सदस्य को उपराष्ट्रपति का दर्जा दीजिएगा तो फिर उपराष्ट्रपति के पद की तौहीन हो, तौहीन मतलब समझते हो, बेइज्जती, बेइज्जती, तहीन मतलब बेइज्जती। आगे बढ़े तो 89 में क्या पढ़ा हुआ,